और बढ़ते हैं आगे। उज्जैन में दो दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आज आखिरी दिन है। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दूसरे दिन कई अहम समझौतों पर मोहर लगने की उम्मीद है। अब से कुछ देर में उद्योगपतियों के संबोधन का सत्र होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर करीब 1:30 बजे से लेकर 1:45 तक केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। पहले दिन कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में 1,00,000 करोड़ के व्यवसाय का इतिहास बन रहा है। समिट का ये बड़ा परिणाम है। उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सागर, जबलपुर, नर्मदापुरम में 1,000 करोड़ की लागत से 57 औद्योगिक परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं, जहां पर आज कार्यक्रम का दूसरा दिन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का। सुबह एक डिस्कशन में यह कहने में बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा था कि ऐसी सुविधाएं जो हम नॉर्वे जैसे देशों में सुना करते थे कि एयरलिफ्ट किया गया पेशेंट को, और उस तरह की सुविधाएं हम मध्य प्रदेश में देने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं और अपनी बात को आगे रखता हूं। मित्रों, इस पूरे कार्यक्रम में 4,000 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने कराया। 12 देशों की इसमें पार्टिसिपेशन हुई, उनके काउंसलेट जनरल, उनके हाई कमीशन्स और उनके एम्बेसडर्स के ऑफिस से लोगों ने यहाँ पे, उनके यहाँ के व्यवसायियों ने यहाँ पे कांटेक्ट किए और यहाँ पार्टिसिपेट किया। यूएसए से, यूके से, कनाडा से, फिजी से, जर्मनी, गेबॉन, इजराइल, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, जाम्बिया, मलेशिया, इतने सारे देशों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। हमने बायर सेलर्स के पार्टिसिपेशन और उनकी बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज की, और आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि करीब 3,700 से ज्यादा बायर सेलर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उनके बीच में आपस में ही करीब 2100 से ज्यादा बिजनेस टू बिजनेस B2B मीटिंग्स संचालित की गई और बिजनेस को और आगे बढ़ाने के प्रयास किए गए। एक अर्थों में एक यह बहुत ही विशेष, जैसे कहते हैं कि अनुभूति लेकर आता है, और साथ में हमें यह भी दिखाता है कि काम को कैसे करना है और कितनी तेजी से करना है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि पहली बार इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के थ्रू हमने 63 इकाइयों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कल आपने देखा जिसमें 21 जगहों पे हमने कार्यक्रम किए, क्षेत्रीय कार्यक्रम 21 जगहों पे किए और सब ऑनलाइन और वर्चुअल यहां से कार्यक्रम किए गए। आपको यह जानकर खुशी होगी कि इसमें 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा, जो कल इकाइयों का उद्घाटन हुआ और 17,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी चीज, और जैसा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्लोगन दिया कि हम कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं, बातें कम, काम, खाली स्थान उन्होंने छोड़ दिया, तो ये हम सबके लिए उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है तो उस मार्गदर्शन का ही प्रतीक है। एक और जो बड़ी विशेषता है जो पावर इन्वेस्टर समिट में आप लोगों ने नहीं पाई होगी, करीब 283 वृहद और MSME की इकाइयों को 12,170 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए 1,250 एकड़ जमीन उनको आवंटित की गई। यह भी पहली बार आपको देखने में इस तरह का मिला होगा कि बातें नहीं, सीधे या तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज फैक्ट्रीज की या फिर उसमें उसको लोकार्पित करने का कार्यक्रम। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको उज्जैन से दिखा रहे थे, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से। राहुल राठौर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ उज्जैन से बने हुए हैं। राहुल, अभी कार्यक्रम की क्या तस्वीरें और क्या क्या पार्ट सभी कार्यक्रम के बचे हुए हैं बताइएगा। तो
राहुल से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, आज दूसरा और आखिरी दिन है इस कॉन्क्लेव का। सीएम मोहन यादव मंच पर आपको नजर आ रहे हैं, कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और आज के कार्यक्रम में खास बात यह है कि पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम को आज संबोधित करेंगे। लगभग 1:30 बजे से 1:45 तक पीयूष गोयल का संबोधन भी होना है। और मध्य प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर्स और अन्य उद्योगपतियों को कैसे बढ़ावा देना है, इसको लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।